गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और कल के वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि डार्क सर्कल डार्क स्पॉट्स को कैसे रिमूव करते हैं मेकअप के थ्रू। एंड आज मैं बताने वाली हूँ आईब्रो फिल करने का सही तरीका क्या है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। आप जब भी मेकअप की शुरुआत करते हो सबसे पहले आपको अपने फेस का CTM करना होता है। CTM मीन्स क्लिंजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग बिल्कुल बहुत ज़रूरी है मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग एंड ग्लोसी बनाने के लिए। एंड मेकअप बिल्कुल भी काला नहीं पड़ता इस तरीके से। एंड फिर उसको ऐसे प्राइमर अप्लाई करना है और फिर अपने अगर आपको फुल मेकअप ब्राइडल मेकअप कर दे सबसे पहले आपको अपने आईब्रोज को फिल करना है। सबसे पहले अपना आई मेकअप कंप्लीट करना है। आई मेकअप कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप अपने फेस का मेकअप कीजिए। आई मेकअप कंप्लीट क्यों करना है, क्योंकि आपका जब भी आप आई मेकअप करते हो तो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे फेस पे गिर जाता है इधर इधर, जिससे कि हमारा आई मेकअप अच्छा नहीं लगता है या फिर फेस का बेस भी ख़राब हो जाता है। इसलिए आप सबसे पहले आई मेकअप कंप्लीट कर लो, उसके बाद से आप अपने फेस का मेकअप स्टार्ट करो। तो चलिए आज का जो टॉपिक है, मैंने CTM अपने फेस का अच्छे से कर लिया है, मॉइस्चराइजिंग तक डन है। अब मैं डायरेक्ट अपने फेस पे प्राइमर अप्लाई करूँगी, देन उसके बाद से आईब्रो फिल करके आप लोग को दिखाऊँगी। तो आईब्रो कैसे फिल करते हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको आईब्रो फिल करनी हो सबसे पहले अपने आईब्रो आईज के आसपास के डार्क एरिया को अच्छे से हाइड कर लीजिए। आप देख सकते हो मेरे को डार्क सर्कल की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो आपको ऑरेंज कलर करेक्टर लेना है, देन अपने आईज का डार्कनेस जितना भी है उसको रिमूव, जहाँ भी डार्कनेस है वहाँ पे आपको ऑरेंज कलर करेक्टर अप्लाई करना है। ओके अगर आपके पास ऑरेंज कलर करेक्टर नहीं है तो अपने स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क शेड लेके आप उस पर अप्लाई कर दो, तो उससे भी आपका डार्कनेस अच्छे से हाइड हो जाएगा। तो ये मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर अप्लाई कर लिया है। अब अपने स्किन से मैच होता हुआ कंसीलर लेंगे, देन अप्लाई कर देंगे, जिससे कि आपका डार्कनेस अच्छे से हाइड हो जाएगा। मैं अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ तो फिंगर मुझे हेल्प लगता है, मतलब फिंगर से कंसीलर अप्लाई करना, कोई भी प्रोडक्ट फेस पे फिंगर से अप्लाई करती हूँ तो मुझे इजी फील होता है। आप ब्यूटी ब्लेंडर ब्रश जो भी आपको जिससे भी आसानी हो वो यूज कर सकते हो। जिनको बिल्कुल मेकअप नहीं आता है उनके लिए मेरा चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा उनको। नेक्स्ट स्टेप में मैं बताऊंगी लिप्स को कैसे कट करते हैं और फेस कैसे कट करते हैं। तो आज सिर्फ है आईब्रो फिल कैसे करना है। तो मैंने अपने डार्कनेस को हाइड कर लिया अच्छे से। अब आप कॉम्पैक्ट पाउडर लोगे, यानी कोई सा भी कॉम्पैक्ट पाउडर आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे लैक्मे 925 का लिया हुआ है और इसको ब्रश से अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। अच्छे से अप्लाई करने के बाद से जिससे कि आपका बेस जो है वो सेट हो जाए। अब आपको क्या करना है, आपको अपना आईब्रो फिल करना है। आईब्रो फिल करने के लिए हमारे पास ब्रशें होती हैं, ये वाली जो ब्रश होती है ध्यान से देख लीजिए, इस तरीके से थोड़ी सी तिरछी ब्रश होती है ये, इससे आप आईब्रो फिल करोगे। जेल आईलाइनर बेस्ट ऑप्शन है आईब्रो फिल करने के लिए। तो मैं यहाँ से इस तरीके से जेल आईलाइनर ले रही हूँ और इसका जो छोटा वाला पार्ट है ये देखिए, ये वाला जो इस साइड वाला पार्ट है इसको आप इस तरीके से बाहर की तरफ रखोगे, ध्यान से देखिए, और इस तरीके से आईब्रो को एक शेप दे देंगे। और डायरेक्ट फ्रंट से नहीं लगाना है, थोड़ा सेंटर से आपको अगेन आईब्रो को शेप देना है और इसको अच्छे से फिल कर देना है। ओके और फ्रंट में आपको इस तरीके से फिल करना है, ऊपर की तरफ ब्रश को घुमाना है, फिर इस साइड आके आप इस तरीके से आईब्रो को कितना चौड़ा पतला रखना है वो आपकी चॉइस है, अच्छे से शेप करेंगे, शेप बनाएंगे अपने आईब्रोज का। अब अगर आपका कलर बहुत ज़्यादा फेयर है तो आप क्या करोगे,
आपको डायरेक्ट ब्लैक कलर अप्लाई नहीं करना है, आप थोड़ा सा इसमें ब्राउनेस मिक्स करके, अगर आपको आपके पास ब्राउन कलर नहीं है तो आप क्या करोगे, आप अपने आई शेडो पैलेट में से ब्राउन कलर पिक करोगे, जैसे कि डार्क ब्राउन होता है वो, मैंने ये वाला कलर यहाँ पे, हाँ ये डार्क ब्राउन कलर है यहाँ पे, इसको पिक करेंगे और अपने आईब्रोज पे सिंपली लगा देंगे। इससे आपका क्या होगा कि जो आईब्रो है वो एकदम नेचुरल लुक देगा एंड आपका मेकअप बहुत थुपा थुपा सा नहीं लगेगा, आईब्रो आपका एकदम नेचुरल लुक आएगा। तो आप जब भी आपका कलर बहुत ज़्यादा फेयर होता है तो आपको डायरेक्ट ब्लैक कलर अप्लाई नहीं करना है अपने आईब्रोज पे, ब्राउन कलर अप्लाई कीजिए। आजकल ब्राउन जेल आईलाइनर भी आता है, वो भी आप ले सकते हो, जिससे कि आपका जो आईब्रो है वो नेचुरल लुक लगे। अब आपको लग रहा है कि अगर आपका आईब्रो बहुत ज़्यादा चौड़ा लग रहा है तो आप इस तरीके से थोड़ा सा कॉटन लेके इसको साफ कर सकते हो। तो हमारा आईब्रो एक साइड का अच्छे से फील हो चुका है। अब इसी तरीके से सेम दूसरी साइड भी आपको बना लेना। देखिए कितने अच्छे से हमारा आईब्रो यहाँ पे फील हो गया है। अच्छे से लाइन दीजिएगा अपने आईब्रोज को, टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए, एकदम प्रॉपर लाइन बननी चाहिए आपके आईब्रो को फील करते वक्त। अब सेम इसी तरीके से आप दूसरे वाले आईब्रो को फील करोगे। तो इस तरीके से आप अपना आईब्रो फील कर सकते हो बहुत आसानी आसान तरीके से। और अपने आईब्रो को डायरेक्ट ब्लैक कलर मत डालिए, क्योंकि डायरेक्ट ब्लैक कलर से आईब्रो फील करने से वो थोड़ा नेचुरल नहीं लगता है। तो आप थोड़ा सा ब्राउन और ब्लैक दोनों मिक्स करके अप्लाई करोगे तो आपका जो आईब्रो है वो बिल्कुल नेचुरल लगेगा और बहुत अच्छे से फील हो जाएगा। इसके बाद आप अपना मेकअप रेडी कर सकते हो। इसके बाद आप कंसीलर अप्लाई करोगे, देन आईब्रोज के यहाँ पे हाइलाइटर यूज करोगे और अपना मेकअप कंप्लीट कर सकते हो। तो आज आज का टॉपिक था आईब्रो को फील करने का सही तरीका क्या है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हेयर स्टाइल की वीडियो देखने के लिए मेरे दूसरे चैनल पे जरूर जाएगा, जिसका नाम प्रीत तिवारी है, और इस चैनल का नाम प्रीत तिवारी 2 है। तो दोनों चैनल पर आपको मेकअप और हेयर स्टाइल से रिलेटेड ऑल वीडियोज मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।